अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की रेसिपी बहुत ही खास और मुनफरिद है। आज हम बकरा ईद ईद उल अज़हा का खास नाश्ता है कलेजे पिपरा की मसाला कढ़ाई तैयार करेंगे, वो भी सरसों के तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए चलिए मज़ेदार कढ़ाई में शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने क्लेजर पिपरा को धो के अलहदा कर लिया। इसको धो के अलहदा रखने की वजह जान लेते हैं आगे वीडियो में, सो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। हमने क्लेजर पिपरा को धोने के लिए कोई दूध या सिरका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एक ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे ना सिर्फ क्लेजे की बू ख़त्म होगी बल्कि कढ़ाई का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। सो इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें 2 कटे हुए प्याज चाहिए, 4 टमाटर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, दालचीनी, लौंग, 2 बड़ी इलायची, और इसकी क्वांटिटी हम आगे जाके वीडियो में जानते हैं। हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर इसमें 1 कप सरसों का तेल शामिल करना है और इसको गर्म होने देना है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। जैसे जैसे मसाला तैयार होता जाएगा इसका ये फोमी टेक्सचर भी ख़त्म हो जाएगा। सो हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम इसमें 4 से 5 लौंग, 4 से 5 दालचीनी के पीस और 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको भूनने के साथ साथ हम 4 टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने काट कर रख लिए थे। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही काट के इसको कढ़ाई में शामिल करूंगी। ये 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। आप चाहे तो नमक अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब हम मसाले को मज़ीद अच्छे से भूनेंगे और इसमें फिपरा ऐड कर देंगे। जो फिपरा और कलेजी को हमने अलहदा रखा था वो इसीलिए रखा था क्योंकि फिपरा गलने में ज़्यादा वक्त लेता है और कलेजी जल्दी गल जाती है, इसलिए हम फिपरा पहले ऐड करके कलेजी को बाद में शामिल करेंगे। इसी के साथ हम वो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे कलेजी पिपरा की सूस बू ख़त्म होगी बल्कि आपकी कढ़ाई का मज़ा भी दुबाला होगा। वो है कसूरी मेथी। आपने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करनी है। अब हम इसमें 4 ग्लास पानी शामिल करके इसको ढांप देंगे और 45 मिनट तक पकाएंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पहले हमने 45 मिनट तक फिपरे को पकाना है और इसके बाद हमने कलेजी शामिल करके मज़ीद 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। और पकने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करना है और आखिर में सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे तो अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, डू लाइक, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।